चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, तारीख है 23 मार्च 2023। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है साई टेम्पल जो कि मेलबर्न पेंसिल्वेनिया में है। इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियर। आई हैव बीन हियर फॉर लाइक 15 टाइम इन लास्ट सिक्स सेवन ईयर्स। सो इट्स अ नाइस प्लेस। अभी मैं इस मंदिर, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। लोकेशन इज प्लेन बुक रोड विच इज इन मेलबर्न। एंड अभी मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा और मैं आप लोग को मंदिर के अंदर से दिखाऊंगा। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ श्री साई बाबा टेम्पल विच इज इन मेलबर्न। कृष्ण मुरारी शिव शंकर शिव भोले नंदी देवता सामने। बजरंगबली भगवान श्री सत्यनारायण कैसे हैं पंडित जी? अच्छा जी, वसंत नवरात्रि, माता जी का श्रृंगार। एक सेकंड इसके ऊपर बोलिए। हाउ आर यू? गुड जी। यस्टरडे नवरात्रि शुरू हो गया, चैत्र नवरात्रि। श्री चक्र का अभिषेक हो गया, श्रृंगार अच्छा से माता जी का किया। आज नौ दिन का अच्छे से पूजा करता हूँ, रोज कुमकुम अर्चना। ये श्री चक्र माता जी का रोज सहस्रनाम श्रृंगार किया। नीचे श्रृंगार रोज कुमकुम अर्चना सहस्रनाम अर्चना करता हूँ। 9th डे को रामनवमी था, रामनवमी का सीताराम कल्याण भी होता है। माता जी का जौ स्थापन भी हो गया उधर, जौ स्थापन। माता रानी का चुन्नी समर्पण करता हूँ, कल दे दिया। बड़ा चुन्नी आ रहा है इंडिया से, दिल्ली कलकत्ता से चुन्नी आ रहा है। समर्पण करके रोज माता जी का आरती कर रहा हूँ। सब लोग का माता जी का अनुग्रह होना चाहिए, सबका ब्लेसिंग। जय माता जी। धन्यवाद पंडित जी। तो आप लोगों ने ये मंदिर देखा अंदर से, होपफुली आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और जो पंडित जी आके हमारे साथ बात किए, और ये हमारे साथ सोने पे सुहागा था, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पंडित जी गुरु जी भी आके हमसे बातचीत करेंगे। तो ये नवरात्रि आप लोग के लिए शुभ हो, और हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि के दूसरे दिन की, माफ़ कीजिएगा प्राची ने मुझे जस्ट करेक्ट किया कि ये नवरात्रि का पहला नहीं दूसरा दिन है। आज 23 तारीख है, गुड़ी पड़वा कल था, तो आज दूसरा दिन है, गुरुवार का दिन। और आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी हो। और अगर आप पेंसिल्वेनिया आसपास के एरिया में हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। यहाँ पे जो गणपति बप्पा की जो मूर्ति है, और जो बजरंगबली की मूर्ति है, और जो भोलेनाथ की मूर्ति है, वह सजीव लगती है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा।
धन्यवाद, आप सबका ये साल नव वर्ष बहुत शुभ हो। हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी। धन्यवाद, बाय।